नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर लोकेश अमान। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डीमेलन क्रीम का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, डीमेलन क्रीम को कैसे लगाना चाहिए और डीमेलन क्रीम की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और ये डिस्कस करेंगे कि डीमेलन क्रीम को लगाते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में डीमेलन क्रीम को लगाना रिकमेंडेड नहीं होता है। डीमेलन क्रीम का उपयोग चेहरे पर दाग धब्बों, निशान व जाइयों को हटाने के लिए किया जाता है। डीमेलन क्रीम त्वचा पर दाग धब्बों और डार्क स्पॉट्स को हटाकर त्वचा के रंग को साफ और गोरा करती है। डीमेलन क्रीम पिंपल्स व मुहासों की वजह से हुए दाग धब्बों को भी दूर करने में मदद करती है। डीमेलन क्रीम त्वचा की डलनेस को कम करती है और त्वचा की चमक को बढ़ाती है। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले स्ट्रेच मार्क्स को भी ठीक करने में मदद करती है। अब हम डिस्कस करें कि डीमेलन क्रीम को कैसे लगाना रिकमेंडेड होता है। डीमेलन क्रीम को केवल एक बार और रात को सोने से पहले लगाना रिकमेंडेड होता है। डीमेलन क्रीम को रात को सोने से कम 30 मिनट पहले लगाना रिकमेंडेड होता है। डीमेलन क्रीम को लगाने से पहले आपको अपने हाथों व चेहरे को पानी की मदद से धो लेना चाहिए। आप अपने चेहरे को फेस वॉश या साबुन की मदद से भी धो सकते हैं, और उसके बाद आपको अपने हाथों व चेहरे को एक साफ कपड़े की मदद से साफ कर लेना चाहिए, और चेहरे को कम से कम 10 मिनट अच्छी तरह सुखाने के बाद डीमेलन क्रीम की एक पतली लेयर चेहरे के प्रभावित एरिया पर लगानी चाहिए। एक मटर के दाने जितनी डीमेलन क्रीम आपके पूरे चेहरे पर लगाने के लिए काफ़ी होती है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में डीमेलन क्रीम को लगाने से आपकी त्वचा में लालपन, जलन और खुजली हो सकती है। इसलिए डीमेलन क्रीम की एक पतली लेयर ही चेहरे पर लगानी चाहिए। अगर आपको त्वचा में जलन या ड्राइनेस ज़्यादा होता है तो आपको डीमेलन क्रीम को लगाने के बाद डीमेलन क्रीम के ऊपर मॉइस्चराइजर क्रीम लगा सकते हैं, ताकि आपकी त्वचा में जलन व सूखापन ज़्यादा न हो। डीमेलन क्रीम को एक उंगली की मदद से हल्के हाथ से फैलाकर लगाना चाहिए, और डीमेलन क्रीम को ज़्यादा रगड़ कर नहीं लगाना चाहिए। डीमेलन क्रीम को आँख, मुंह और नाक के किनारे के पास लगाना रिकमेंडेड नहीं होता है। इसलिए डीमेलन क्रीम को आँख, मुंह और नाक के किनारों के पास नहीं लगाना चाहिए। अब हम डिस्कस करें कि डीमेलन क्रीम को लगाते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में डीमेलन क्रीम को लगाना रिकमेंडेड नहीं होता है। जब तक आप डीमेलन क्रीम को लगा रहे हैं, तब तक आपको दिन के समय में सूरज की धूप में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि डीमेलन क्रीम की वजह से त्वचा धूप के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है, और जिसकी वजह से सनबर्न होने का रिस्क अधिक हो जाता है। अगर आपको किसी कारणवश धूप में जाना ही पड़ता है तो आपको सूरज की धूप में जाने से पहले अपने चेहरे पर सनस्क्रीन लोशन को लगाना चाहिए, और धूप से बचाव करने के लिए आप अम्ब्रेला यानी छत्ते का प्रयोग कर सकते हैं। डीमेलन क्रीम को केवल रात के समय ही लगाना रिकमेंडेड होता है, इसलिए आपको डीमेलन क्रीम को दिन के समय में नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को त्वचा में ड्राइनेस की समस्या ज़्यादा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए डीमेलन क्रीम का उपयोग करना रिकमेंडेड नहीं है। त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर या त्वचा पर कोई घाव होने पर डीमेलन क्रीम को घाव के ऊपर या घाव के आसपास नहीं लगाना चाहिए। अगर आपकी त्वचा का रंग प्राकृतिक रूप से सांवला है तो डीमेलन क्रीम आपकी त्वचा के रंग को स्थायी तौर पर गोरा नहीं बना सकती है, इसलिए त्वचा के रंग को गोरा करने के लिए डीमेलन क्रीम का उपयोग न करें। अब हम डिस्कस करें कि डीमेलन क्रीम की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। डीमेलन क्रीम की वजह से त्वचा में जलन, खुजली और रेडनेस हो सकती है। अगर आपको डीमेलन क्रीम को लगाने के बाद त्वचा में रेडनेस, जलन या खुजली ज़्यादा होती है या लंबे समय तक बनी रहती है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। कुछ व्यक्तियों में डीमेलन क्रीम को लगाने के बाद त्वचा की एक पतली लेयर पपड़ी बनकर उतर सकती है, और डीमेलन क्रीम को लगाने के बाद त्वचा में अस्थायी तौर पर सूखापन भी हो सकता है। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं डीमेलन क्रीम को लगा सकती हैं या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए डीमेलन क्रीम का उपयोग करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डीमेलन क्रीम को लगाने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डीमेलन क्रीम को नहीं लगाना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका डीमेलन क्रीम से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।